हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मीनाक्षी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं आपके सामने फिर से मिंत्रा हॉल लेके आई हूँ, जिसमें मैंने कुछ ड्रेसेस परचेस की हैं और कुछ फुटवेयर परचेस किए हैं, जिसका की रिव्यू मैं आपके सामने करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट ड्रेस मैंने परचेस की है वो है ब्रांड वेरोमोडा से, और ये ग्रीन प्रिंटेड ड्रेस है और इसमें इस तरह से प्रिंट दे रखे हैं, फ्लावर प्रिंट है। और ये एक मैक्सी ड्रेस है और इसकी लेंथ फ्लोर लेंथ ड्रेस है ये, और इसके अंदर ये वी नेक दे रखा है, इस तरह से वी नेक दे रखा है। उसके बाद बटन बटन दे रखे हैं जो कि ओपनेबल है, और ये फ्लोर तक ओपनेबल है, फुल ओपनेबल बटन है। और इसकी जो स्लीव्स दे रखी है वो बेल स्लीव्स है, और ये 3/4 स्लीव नहीं है, हाफ स्लीव्स है। और इस तरह से ये दे रखी है, इसके साथ ये बेल्ट दे रखा है जिसको कि आप टाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने किसी और बेल्ट के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैंने इसको किसी और बेल्ट के साथ स्टाइल किया है, तो मैं आपको वो आपको इस लुक बुक में दिखा दूंगी मैं आपको। और इसका जो जो कपड़ा है वो पॉलिस्टर कपड़े की है ये ड्रेस। और इस मैंने अपने लिए स्मॉल साइज में मंगाया है, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है 2,999 रुपीज़ है, और मैंने इसको 70% ऑफ में खरीदा है। इसका मटेरियल है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी थिक है इसका मटेरियल, पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें किसी भी तरह की लाइनिंग नहीं दे रखी है, बट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे एकदम अलग ही लुक आ रहा है इसके अंदर। और इसका कलर भी बिल्कुल हटके है, एकदम ग्रीन कलर है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी ये ड्रेस। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी, ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये ड्रेस। आप इसको जब स्टाइल करते हैं तो आपका जो लुक है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, या आप इसको किसी मिडी ड्रेस के साथ भी, मिनी ड्रेस के साथ इसको पेयर कर सकते हैं, और इसके साथ बूट्स वगैरह आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने इसको अपने लिए मीडियम साइज में परचेस किया है, और इसका जो कपड़ा है वो पॉलिस्टर है, और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो मैं इसको भी आप हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए।
वो श्वेट सेट है ये, जो कि ब्रांड सेस्परा से है। वैसे भी विंटर आ ही चुकी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए कुछ वार्म परचेस टी शर्ट टाइप कुछ परचेस किया जाए। तो मैंने ये श्वेट शर्ट जब देखा तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये अंदर से बिल्कुल वार्म है, इस तरह से इसका कपड़ा भी काफ़ी थिक है और इसमें ये कोल्ड शोल्डर भी दे रखा है। लेफ्ट साइड में कोल्ड शोल्डर है और जो राइट साइड में है ये सीक्वेंस डिज़ाइन दे रखी है जिसमें ये रोज बना हुआ है। और इसकी जो लेंथ है बहुत ही, यहाँ पे लेंथ की यहाँ पे ये रबर इलास्टिक दे रखा है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है। और इसकी जो कमर पे भी काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है, यहाँ पे भी इलास्टिक दे रखा है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और प्राइस भी मुझे इसकी बहुत ही सही लगी है, 700 में मुझे मिला है, 65% ऑफ में मिला है 700 में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और जैसे कि ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर तो किसी के साथ भी आप स्टाइल कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं और बूट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं और आप जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसको स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है तो मैं आपको अपनी लुक बुक में दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह से पहना है। और मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी मेरे इस पूरे हॉल में, मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि वाजिब दामों में मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है और काफ़ी काफ़ी यूजफुल है, जो कि अभी पूरे विंटर में मेरे यूज़ आने वाली है। दो और जिससे काफी ज्यादा क्लासी लग रहे हैं, आप इसको
जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं और तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और जो फ्लैट्स है तो कंफर्टेबल भी है पहनने में। तो मैंने किस तरह से इसको शेयर मैं अपनी लुकबुक में शेयर कर दूंगी कि मैंने इसको किस तरह से पहना है, और ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइसी है, बट इसके जो शूज़ होते हैं स्टीव मैडन के, वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, आप उसको कितना भी रगड़ो मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं। और मैंने इसको 45% ऑफ में खरीदा है, 2000 रुपीज़ में मैंने इसको खरीदा है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इन सभी ड्रेसेस के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। और इस तरह के और भी हॉल्स आपके सामने मैं लेके आने वाली हूँ, और इस तरह के और हॉल्स देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो टिल देन, बाय बाय।